आज फैसल के साथ हैं जो कि नेदरलैंड में बड़े हुए हैं, नेदरलैंड के लोगों को जानते हैं, हेग इनका नहीं एम्स्टरडैम में रहते हैं, द हेग में रहते हैं, हेग में रहते हैं, ओके, जहाँ इनकी पार्लियामेंट है। तो आप पैशनेट प्रोग्रामर्स ढूंढ रहे हैं जी, किस लैंग्वेज के? iOS में आ जाएं, एंड्रॉइड में आ जाएं, और वेब डेवलपर्स हैं जी, और वेब बेस्ड ब्लॉकचेन वाले भी सही हैं, IoT वाली भी कितने सही हैं। आप तो ऐसे लग रहे बोरी भर के ले जाने वाले। मैं पूरी टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी लिए मैंने अपना स्टार्टअप रजिस्टर कराया, इसका नाम है फ्लाइंग बनाना .nl। तो उधर सब इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो सही पैशनेट साफ दिल वाले लोग ढूंढ रहा हूँ, जिसका दिल साफ है और जो जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है, फ्लाइंग बनाना .nl पे जाए और मेरे से रابطہ करे। सही, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर भी बनना हो तो वो भी फ्लाइंग बनाना भी जाके आप सीख सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि ऐसी तीन चीजें जो हॉलैंड में है मैरिजुआना के अलावा जो यहाँ पे आप चाहते हैं कि अवेलेबल हो, सर्विसेज यस, होलैंड में कई डिफरेंट सर्विसेज हैं। तीन की बात करेंगे सही, मगर मैं चले अपनी फील्ड के बारे से बात करता हूँ। होलैंड के लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, वो नहीं डायरेक्ट। मैं जब नया उधर गया मुझे अजीब लगता था, यार ये क्या लोग हैं, अब मैं खुद उन जैसा हो गया हूँ, क्योंकि ये जिंदगी आसान हो जाती है, बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए। अच्छा नहीं लगा बोल दिया, ऐसे नहीं कि खामा खाए, हाँ जी बिल्कुल, नहीं सर ऐसे हो जाएगा। अच्छा नंबर टू है, बंदे के पास पैशन होना चाहिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, लोग आपको बहुत मना करेंगे, यार ऐसे ना करो, ये नहीं हो सकता, ये दीवाने हो जाएंगे, क्या कहेंगे ये, क्या कहेंगे वो, अगर आप उन चीजों में जाओगे जिंदगी में नाकाम हो जाओगे। नंबर तीन है, अपने आप को खुश रखो, लोगों की परवाह ना करो। मैं कह रहा था नेदरलैंड में क्या ऐसी चीज आपने देखी जो यहाँ नहीं है? चीज या सर्विस, जैसे आपने कहा ना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होना, उसको पता नहीं कोई इसकी टर्मिनोलॉजी भी है कि भाई इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी चीजें चलेंगे तो। अच्छा तीन ऐसी चीजें जो पाकिस्तान में आपको नजर आती हैं जो आप चाहते हैं नेदरलैंड में अवेलेबल हो? समोसे ये तो मैं सबको बताता हूँ, सुनते ही नहीं लोग। अच्छा दही बल्ले और अमरूद, ठीक है। तो मेरा एक और मशवरा है कि फ्लाइंग बनाना जो है ना उसके अंदर आप ये पैशनेट वाले लोग भी ढूंढ लें जिनको अच्छे दही बल्ले बनाने आते हो, समोसे बनाने आते हो और तीसरे अमरूद बेचने आते हो, वो आप वहाँ बेचना शुरू करें। प्रोग्रामर तो पैशनेट जरा कम ही मिलेंगे आपको। अच्छा वो सब नौकर वाले होते हैं, कहते हैं ये नौकरी चाहिए। अच्छा जो नौकरी के चक्कर में पड़ जाते हैं ना तो वो नौकर होता है, वो पैशनेट नहीं होता, गुम हो जाता है, मोहब्बत नहीं होती उसको जॉब चाहिए होती है। सही सही, तो वो जरा कम मिलते हैं, वो नॉर्मली मिलते हैं यूनिवर्सिटी में जो नहीं गए होते। मैंने अपनी जिंदगी में जितने ऐसे अच्छे प्रोग्रामर रखे हैं वो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए होते, वो बेस्ट निकलते हैं, और जो स्कूल कॉलेज गए होते हैं उनके साथ सर दीवार पे मारना पड़ता है बार बार, यार क्या कर रहा है भाई, तो ये चारा क्या है, तो ये प्रॉब्लम जी। देखा जाए तो आजकल की जो सबसे सक्सेसफुल कंपनीज हैं फेसबुक गूगल, वो स्किल्स को देख रही हैं, वो डिग्रीज को नहीं देख रही, जमाना अब चेंज हो रहा है। तो आपके लिए तरीका ये अच्छा है कि आप एक अपना एक ऑनलाइन फिल्टर बनाए, इसके अंदर आप कहें जी ये कोर्स करके आ जाओ यूडेमी पे, ये यूट्यूब से करके आ जाओ, ये एडेक्स से करके आ जाओ, तो मैं तुम्हें हायर कर लूंगा या तुम्हारा इंटरव्यू कर लूंगा, ठीक है। वरना अगर आप ऐसे ढूंढने जाएंगे ना पैशनेट, मुश्किल है, ठीक है, ठीक क्योंकि है। उस बेचारे को खुद ही नहीं पता कि उसका पैशन क्या है, अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ, और उसमें ये 99% पे अप्लाई होता है, 1% भी, पाकिस्तान का 1% कितने मिलियन लोग होते हैं? 2.2 मिलियन लोग होते हैं, तो अगर 1% भी पैशनेट निकलना है ना तो बड़ी बात है, लेकिन 1% चेंज हो जाएगा। होलैंड की आबादी 18 मिलियन है, तो जी 18 मिलियन, तो फिर भी लोग ऑर्गेनाइज हैं, स्ट्रक्चर है, हर कोई लॉ और कानून को फॉलो कर रहा है, तो हर कोई फॉलो नहीं कर रहा, वो कानून उनको फॉलो कर रहा है, क्यों गड़बड़ करोगे, पकड़े जाते हैं ऐसे ठप। तो और दूसरी चीज आपको मैं आपके लिए मशवरा है जी, चलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ, ये अगली वीडियो में बना लेता हूँ, ठीक है।